हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम एडिशन को क्या करेंगे देखेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए सब्ट्रैक्शन करने से पहले देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीरो में से हम क्या करेंगे, वन को घटाएंगे। तो जीरो में से अगर वन को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इस कंडीशन में होता क्या है, जीरो में से तो वन जाएगा नहीं। जीरो में देखिए वन में से वन अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वन में से वन अगर घटाएंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। जैसे वन में से हम वन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। अगर वन में से जीरो घटाएंगे तो हमारा वन आ जाएगा। वन में से वन घटाएंगे, अब यहाँ पे देखिए जीरो में से अगर जीरो घटाएंगे तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। लेकिन अगर जीरो में से हम वन घटाते हैं तब कितना आता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, तो जीरो में से तो एक जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, एक बारह लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, बारह लेंगे। तो यहाँ से ये जो है ये किसको दे देगा, ये क्या दे देगा, एक इसको दे देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। तो जब ये किसको दे देगा, तो वन जीरो का कितना लिखते हैं, जीरो 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 वन, वन जीरो और वन वन। ठीक है, जीरो वन टू थ्री। तो देखिए वन जीरो को कितना लिखा जाता है, दो लिखा जाता है। तो दो में से एक गए कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो में से तो एक जाएगा नहीं, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ ये वाला ये जो जीरो जो है इससे एक ले लेगा। जब एक ले लेगा तो यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन चला जाएगा। तो यहाँ पे वन जीरो हो जाएगा, तो फिर ये वन जीरो को क्या लिखते हैं, दो। तो यहाँ पर या फिर वन जीरो में से एक घटाएंगे तो वन आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि दो में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर यहाँ पे जीरो आ गया, तो जीरो में से जीरो गए आपका जीरो हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है कि ये सही है कि गलत है, तो आप क्या काम करिए, इसी को आप क्या काम करिए, यहाँ पे देखिए वन जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा टू हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, वन 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 और जीरो है, हमारा यही तो है, वन 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 और जीरो है। नीचे वाला क्या है, जीरो जीरो वन वन है। ठीक है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो वन टू फोर से आप 48 से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि चार ही है तो हम 8 तक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 8 4 12 2 14 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, ये तो डेसिमल में है ना, और ये भी क्या है, डेसिमल में है। तो 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये भी तो डेसिमल में है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है 1011 आ रहा है, ये इसका मान 11 आना चाहिए डेसिमल में। तो यहाँ पर 1011। ठीक है, 1 2 4 और 8, तो कितना आएगा, 21 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 2 10 1 11, इसका मतलब ये एकदम क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है कि गलत है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये तो हो गया। अब ये दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम जीरो में से वन करेंगे तो वन तो आएगा नहीं, तो इधर भी जीरो ही है, तो ये क्या काम करेगा, ये वाला इससे मांगेगा, ये वाला इससे मांगेगा। समझ में आया। तो इधर से क्या होगा, इधर से इधर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर वन चला जाएगा, इधर तो पहले हमारा जीरो था, तो ये वाला इससे वन ले लेगा, तो वन ले लेगा तो यहाँ पे दो हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो जब यहाँ पे दो हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये अपने पास एक रखेगा और ये किसको दे देगा। समझ में आया। जब एक इसको दे देगा तो यहाँ पे वन जीरो हो गया, तो यहाँ पे दो हो गया, तो दो में से एक गए कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा है, एक, एक में से एक गए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा है आपका, जीरो, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे जीरो बचा है, तो जीरो में से तो एक जाएगा नहीं, तो यहाँ पे वन है ना, तो ये वन जो है इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। और यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दो में से एक गए कितना हो जाएगा, एक, और जीरो में से जीरो गए क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि क्या ये सही है कि गलत है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आप लोग देख लिए होंगे, हम इसे मिटा सकते हैं। ठीक है, ये वाला तो हो गया।
इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे क्या है आपका 1100 फिर 0111 है, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, वन वो क्या कहते हैं 01 और 01 आ रहा है, ठीक है। इसको आप किस में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल में 1, 2, 4 और 8, ये तो माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 8, 4, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 डेसिमल में 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4, 2, 6, 1, 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका 10, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ एक होगा वहीं वहीं क्या होगा एडिशन होगा, तो 12 में से 7 गए 5 हो गया, तो इसका मतलब डेसिमल में कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो क्या यहाँ पे 5 होगा कि नहीं, 1, 2, 4, 8, तो 4 देखिए ये वाला जुड़ेगा ये वाला, तो इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 1 है, 4 1 कितना हो गया 5, इसका मतलब क्या है एकदम आंसर क्या है सही है। तो इसी तरीके से क्या लगेगा, ठीक है। एक बार मैं फिर इसको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मैं फिर दिखा दे रहा हूँ भाई, 1 है 1 है 0 है और 0 है, 0111, ठीक है, ये माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो ये वाला इससे उधार मांगेगा, इसके पास है नहीं तो ये वाला इससे उधार मांगेगा, तो यहाँ से 1 क्या होगा, ये वाला अपना 1 इसको दे देगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि इसने दे दिया इसको ना। अब क्या होगा यहाँ पे 10 को कितना बोलते हैं, 2 बोलते हैं, आपको पता है पहले से ही, तो यहाँ पे 2 में से क्या काम करेगा, 1 इसको दे देगा और इसके पास कितना बचेगा 1 बचेगा, समझ में आया, 2 में से 1 इसको दे देगा 1 इसके पास बचेगा, ये तरीका है, इसे आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गए कितना हुआ 1 हुआ, समझ में आया, उसके बाद यहाँ पे 1 बचा है तो 1 में से 1 गए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 बचा है ना, तो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो इसके पास जो 1 था ये 1 इसको दे देगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, और 10 को 2 लिखते हैं तो 2 में से 1 गए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 0 में से 0 गए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इतना आंसर आ गया कि नहीं। ये तो डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आप इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, ये तो आपका सवाल हो गया, इसे भी हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग पहले से ही इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला सब्ट्रैक्शन देख लीजिए भाई, 1 में से 1 गए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आया, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या काम करेगा, ये 1 इसको दे देगा, जब इसको दे देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 होगा ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो इसी को 2 लिखते हैं, 2 में से 1 गए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 है, तो यहाँ पे जब 1 है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 में से 1 गए 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये देखना है कि क्या ये सही है कि गलत है, तो 1 1 0 1 और 0 1 1 1, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 4 8, तो 8 4 12 1 13 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है 4 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर हमको लग रहा है वही पिछला सवाल यहाँ पे दोबारा हम लिख लिए थे, वही चीज़ है, ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं, ये तो एकदम सेम टू सेम वही सवाल आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे बड़े में लिख दे रहे हैं, 1 0 0 0 0 और 1 है, और यहाँ पे आपका क्या है -1 1 1 1 1 है, ठीक है। तो अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कैसे इसको घटाएंगे हम, यहाँ पे देखिए 1 में से 1 गए क्या आ जाएगा 0 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 में से क्या 1 जाएगा नहीं जाएगा, ये वाला इससे मांगेगा, ये वाला इससे मांगेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो इसके पास 1 है तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इसने इसको 1 दे दिया, तो जब इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे 2 बचा, तो 2 में से इसने अपने पास 1 रख लिया और यहाँ पर 1 दे दिया इसको, तो यहाँ पे फिर 2 आ गया, 10 को 2 बोलते हैं, फिर इसने अपने पास 1 रख लिया, फिर 1 जो है इसको दे दिया 2 में से, तो फिर यहाँ पे 2 बचा, अब 2 है तो यहाँ पर 1 अपने पास रख लिया, 1 इसको दे दिया, तो फिर यहाँ पे 2 बचा, समझ में आया, तो 2 में से 1 गए 1, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0, और फिर यहाँ पे कितना आ गया 1, और 1 उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे छोटा देखिए सब, यहाँ पे ये सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन सवाल आपका ये है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आ जाएगा 0 1
जीरो जीरो वन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसे देखना है कि क्या ये सही है कि गलत है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए भाई। सिंपल सी बात है, 1, 2, 4, 8, 16 और क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जोड़िए, 32 से कितना हो गया, 33 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, 8, 8 4 12, 2 14, 1 15 हो गया। तो डेसिमल में तो 33 में 15 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझ, 8 5 13 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका कैलकुलेशन करने पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो 1, 2, 4, 8, 16 और क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 1 है उसी को जोड़ना है, तो 16 और 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो कई सवाल हम लिए हैं, ताकि आप लोग देखिए, इसको भी आप लोग बढ़िया से कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे आप उतार सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको केवल एक तरीके बता रहा हूँ। इसको देख लेते हैं, 1 0 0 0 और 0, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0, फिर 1 1 1 1, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। कई सारा सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं तो कहेंगे कि सर एक सवाल बता करके कुछ अलग टाइप के सवाल बनते तो उसमें लगा ही नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 0 है, जाएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 है, ये वाला इससे लेगा, ये वाला इससे लेगा, ये वाला इससे लेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये 1 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, छोटा लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे 1 0 हुआ तो इसे 2 लिखेंगे, तो अपने पास एक रखेगा और एक इसको दे देगा, देगा कि नहीं। जब इसको दे देगा तो 1 0 यहाँ पे 2 है, अपने पास एक रख लेगा, एक इसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हुआ अपने पास एक रख लेगा, अब फिर जो है उसके बाद जो है इसको एक दे देगा। तो यहाँ पे 2 हुआ, तो 2 में से एक गए, एक हुआ एक में से एक गए, 0 हुआ एक में से एक गए, 0 हुआ एक में से एक गए, 0 हुआ, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 ही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि क्या ये सही है कि गलत है, तो आप सिंपल सी बात है, 1 2 4 8 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और उसके बाद जो है 1 2 4 8, 8 4 12 2 14 1 15, यहाँ पे 15 आ गया। तो 16 में से 15 गए, कितना, एक आना चाहिए, तो यहाँ पे एक आ रहा है, 1 2 4 8 16, तो यहाँ पे देखिए एक ही तो आएगा, बाकी जगह तो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब एकदम क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हर बार 1 2 4 8 को लिखना ज़रूरी नहीं है, उतना तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं कई बार उसे क्या कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस क्या होंगे, लगेंगे। इसे आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है। अगर इस मेथड को आप ऐसे ही करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। एक सब्सट्रैक्शन हमारे पास और है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 0 1 0 0 1 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है, फिर 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, थोड़ा लंबा और चौड़ा लिखने पे क्या होता ना, बहुत बढ़िया क्लियर होता है, ठीक है। तो 0 में से 1 गए तो जइबे नहीं करेगा, आपको तो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये इसके पास 0 हो जाएगा, इसके पास क्या हो जाएगा, देखिए इसके पास ये जब ये वाला एक अपना इसको दे देगा, तो 1 0, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में से एक गए, एक आ गया, अब यहाँ पे 0 है, तो क्या काम करेगा, ये वाला इससे मांगेगा, ये वाला इससे मांगेगा, ये वाला इससे मांगेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे पहुँचे तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 दे दिया इसने, यहाँ पे 2 हुआ, तो इसने अपने पास एक रख लिया, फिर एक इसको दे दिया, फिर यहाँ पे 2 हुआ, एक अपने पास रख लिया, फिर एक इसको दे दिया, तो यहाँ पे 2 हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे 2 में से एक गए, क्या 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 में से 1 गए, क्या हो गया, 0 हो गया, फिर यहाँ से 1 में से 1 गए, क्या हो गया, 0 हो गया। तो लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 0 है ना, तब क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसने एक इसको दे दिया, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 1 रख लेगा, फिर एक इसको दे देगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 में से एक गए, एक 1 में से एक गए, भाई 1 में से 1 गए, कितना होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब अगर आपको देखना है कि क्या ये सही है कि गलत है, तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। सिंपल सी बात है, 1 2 4 8, उसके बाद 16 32, फिर उसके बाद 64 हो गया, 64 तक पहुँच गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 64 उसके बाद 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80, फिर उसके बाद 82 82,
ठीक है, यहाँ पे 82 लिखी है, यहाँ पे कितना लिखिए 82। अब यहाँ पे देखिए 32 है ना, तो 32 से आगे तक यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, मतलब 16 दूना 32 16 3 48 48, उसके बाद जो है 8 2 10 48 10 58, 58 4 कितना हो जाएगा 62 1 63, यहाँ पे 63 हो गया। फिर 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे आपका 7 में 6 गए 1, 19 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 19 के बराबर ही आना चाहिए। तो 1 2 4 8 16 32 और क्या हो गया 64। एक तो आप इसको जोड़ेंगे, दूसरा इसको जोड़ेंगे, तीसरा इसको जोड़ेंगे, 16 2 18 1 19, 19 के बराबर आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, सब्सट्रैक्शन एकदम क्या है, सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो जैसे आपको चेक करना है कि क्या ये सही है कि गलत है, तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल का घटाना आपको तो आता ही है अच्छे तरीके से, कि सब सारा काम सारा कैलकुलेशन हमारा डेसिमल में ही होता है। मनुष्य जो कुछ भी करता है सब डेसिमल में करता है, जो कुछ समझता है, ठीक है। बाकी बाइनरी वनरी ये सब जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना डिजिटल सिस्टम समझता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो कैलकुलेशन हो गया, अब एडिशन हम क्या करते हैं देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप घटा सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एडिशन हमें करना है, तो एडिशन में यहाँ पे एडिशन लिखना पड़ेगा, एडिशन, ठीक है, 101101 और यहाँ पे 101+1001। ये पहले हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। 11 अगर जोड़ेंगे ना, तो 11 क्या होता है, 0 आता है विथ 1 कैरी आता है, कभी भी 11 जोड़ेंगे जब 1+1 करेंगे ना, तो 10 आता है, तो 0 हम यहाँ पे लिखते हैं और ये क्या हो जाता है कैरी, तो कैरी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 1 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो एक यहाँ पे कैरी आ जाएगा। तो फिर 1 1 कितना हो जाएगा, 10, तो एक यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो 1 1 1 0, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर आपको देखना है कि क्या एडिशन सही है, अगर आपको ये देखना है कि क्या एडिशन सही है, तो ठीक है देख लीजिए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, 1 2 4 8 16 और कितना हो जाएगा 32। भाई किसको किसको जोड़ेंगे, 32 को जोड़ेंगे 32, उसके बाद किसको 8 को जोड़ेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे, तो 8 4 12 12 और 32 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 से क्या हो जाएगा 45, ये 45 आ रहा है, देख लीजिए एक बार ऐड करके, तो 32 32 8 कितना हो जाएगा 40 40 4 44 1 45, ठीक है। उसी प्रकार इसको देख लीजिए, यहाँ पे 1 1 है, तो 16 और 8 को जोड़ेंगे, 16 और 8 को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद सीधा 1 को जोड़ेंगे, तो 16 8 24 8 6 14 24 1 25 हो गया, तो 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, तो यहाँ पे 20 आना चाहिए ना, 1 2 4 8 16 32 और क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। वो यहाँ पे क्या एडिशन है ना, इसे तो ऐड करना पड़ेगा, 5 5 10 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 64 हो गया, फिर यहाँ पे 64 कुछ मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 और 64, इसके नीचे ये 64 हो गया, 64 64 दो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर। ये 16 और 8 है, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 1 है, तो 24 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब फिर ऊपर वाला एक बार और ऐड कर लेते हैं, देखते हैं 32 32 के बाद आपका कितना हो गया 8 हो गया, फिर 4 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 2 तो नहीं है, फिर 1 है, तो 32 8 कितना हो गया 40 40 4 44, फिर उसके बाद क्या हो गया 45 हो गया, तो 5 5 10 4 2 6 1 7 हो गया। तो यहाँ पे कैसे मिस्टेक आ रहा है, इसका मतलब है कि एडिशन में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे फिर देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, भाई 10 आएगा तो 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन और जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वन जीरो है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर वन वन जीरो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर जब जीरो हो जाएगा तो एक कैरी आ गया, तो वन वन फिर यहाँ पे वन जीरो आ गया, तो फिर यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, तो वन 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 जीरो, वन जीरो प्लस जीरो, फिर यहाँ पे वन जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक तीन तीन छः, तो कितना आएगा, वन टू फोर एट सिक्सटीन, बत्तीस और क्या हो गया, चौंसठ। ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे, ठीक है, चौंसठ चार अड़सठ दो सत्तर, आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या था, थोड़ा एडिशन में गड़बड़ा गया था यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान से करिएगा, नहीं तो हमारी तरह क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो चौंसठ में फिर चार जोड़ेंगे, फिर दो जोड़ेंगे, तो फिर कितना आ जाएगा, सत्तर, यहाँ पे सत्तर आ रहा है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, एडिशन करेंगे, तो इसे हम मिटा सकते हैं, मिटा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब और कुछ एडिशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जीरो वन 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 जीरो, फिर उसके बाद वन जीरो जीरो वन वन, फिर वन 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 वन, इसमें हम एडिशन करते हैं। तो कैसे एडिशन होगा भाई, वन को जब जीरो में जोड़े, वन को वन में जोड़ेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, एक यहाँ पे कैरी चला जाएगा। आपको पता है वन वन कितना होता है, वन जीरो, तो एक जीरो यहाँ पे लिखे, वन यहाँ पे कैरी आ गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वन में वन जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, वन में वन जोड़ेंगे, तो वन जीरो आया, ठीक है। अब फिर वन जीरो में वन जोड़ेंगे, प्लस वन कर दिए तो वन वन आया, ठीक है। अब फिर वन जोड़ेंगे, तो फिर जब वन जोड़ेंगे तो वन वन, ध्यान से देखिए, वन वन जोड़ेंगे तो वन जीरो आएगा, तो वन जीरो में यहाँ पे जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ पर एक कैरी चला जाएगा, यहाँ पे एक कैरी, तो वन वन कितना हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, हम जीरो लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वन जीरो इतना कैरी आ गया, वन जीरो कैरी आ गया, तो वन जीरो कैरी आ गया, तो वन जीरो में हम क्या करेंगे, वन जीरो में हम वन ऐड करेंगे, प्लस वन, प्लस हमारा जीरो, जीरो तो जीरो ही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वन वन आ गया, फिर वन ऐड करेंगे, तो फिर जब वन हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो वन 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 जीरो आ जाएगा, तो फिर वन 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 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे, अब फिर यहाँ पे वन जीरो कैरी आ गया, तो फिर यहाँ पे वन जोड़ेंगे, तो जब वन जोड़ेंगे तो वन जीरो में जब प्लस वन जोड़ेंगे तो यहाँ पे वन वन आ जाएगा, फिर वन जोड़ेंगे प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन वन आपका वन जीरो हो जाएगा, फिर वन कैरी चला जाएगा, तो वन 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 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हमारा वन जीरो कैरी आ जाएगा। जब यहाँ पे वन जीरो कैरी आ जाएगा हमारा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीरो जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो वन जीरो में फिर वन जोड़ेंगे तो प्लस वन बराबर वन वन आ गया, फिर वन जोड़ेंगे तो प्लस वन बराबर वन वन जीरो, फिर वन कैरी आ गया है, तो वन 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 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर वन इतना आ गया। तो यहाँ पे अब सब पूरा हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। अब इसे हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये क्या है, सही है कि गलत है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, नहीं मिटा नहीं रहे हैं, इसको वैसे ही रहने दे रहे हैं। इसी के ऊपर हम लिख दे रहे हैं कि वन टू फोर एट सिक्सटीन, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, सिंपल सी बात है, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब आठ चार और दो, आठ चार बारह दो चौदह, तो पहले वाला कितना जोड़ना पड़ेगा, चौदह, फिर ठीक है। नीचे वाले में देख लीजिए, नीचे वाले में देखते हैं तो सोलह को जोड़ना पड़ेगा, फिर दो और एक को जोड़ना पड़ेगा, सोलह दो अठारह एक उन्नीस, यहाँ पे उन्नीस आ गया। फिर यहाँ पे वन वन सब को जोड़ना पड़ेगा, तो सोलह सोलह आठ चौबीस, चार अट्ठाईस, अट्ठाईस दो तीस एक, इकतीस हो गया। तो इकतीस यहाँ पे नौ एक दस, दस चार चौदह हो गया, ठीक है, नौ एक दस चार चौदह यहाँ पे। फिर यहाँ पे तीन एक क्या हो गया, चार एक पाँच हो गया, फिर एक छः हो गया, ठीक है, चौंसठ आ रहा है। तो यहाँ पे नौ एक दस चार चौदह हो गया, फिर तीन एक चार एक पाँच एक छः हो गया, ठीक है, चौंसठ आ रहा है। तो यहाँ पे भी चौंसठ आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा,
1, 2, 4, 8, 16, 32 और क्या हो गया, 64 आ गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक है तो हम केवल 64 ही लेंगे, तो 64 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। देखिए जहाँ पे 10 आ जाए ना, तो वहाँ पे 0 लिख देंगे और एक कैरी आ जाएगा। अब फिर उसके बाद जहाँ पे 10 आ जाए, फिर वहाँ पे 1 आ जाए, तो ऐसे आप ऐड करते चले जाएंगे। तो 10 यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर 11 आए तो फिर उसमें एक जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 नहीं बोलेंगे, उसे 100 बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं, और देख सकते हैं। अब एडिशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूँ, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल।